देहरादून से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां डालनवाला क्षेत्र के सर्कुलर रोड पर स्थित प्राइवेट गर्ल्स स्कूल की एक नाबालिग छात्रा ने कल रात अज्ञात कारणों के चलते स्कूल के बाथरूम में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। वहीं जब घटना के बारे में स्कूल प्रबंधन को पता चला तो छात्रा को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं युक्त सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया। जानकारी के मुताबिक छात्रा गाजियाबाद की रहने वाली थी, जो देहरादून के डालनवाला में एक प्राइवेट गर्ल्स स्कूल में नवी कक्षा की छात्रा थी, जिसने बाथरूम में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रा ने शरीर पर बांधने वाली गर्म पट्टी से फंदा लगाया था। वहीं इसके कमरे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। साथ ही मृतका के परिजनों ने गाजियाबाद से आने के बाद शव का पंचायतनामा भरकर वीडियोग्राफी करते हुए डॉक्टरों के पैनल से शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद पुलिस ने शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। इस दौरान छात्रा की मां ने मौखिक रूप से स्कूल प्रबंधन पर कुछ आरोप लगाए हैं, लेकिन खबर लिखे जाने तक लिखित शिकायत नहीं दी गई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।